नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा कि हमारा कच्चा माल को हम फिनिश गुड में हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा एजुकेशन हब के नाम से चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नई नई वीडियो और हम इस पर बना सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नई कंपनी तैयार कर लेते हैं श्याम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। ठीक है, उसके बाद में इसको हम बीकानेर लिख देते हैं और राजस्थान सेट। ठीक है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। इसमें हम सबसे पहले हम इन्वेंटरी इन्फो में जाते हैं और उसके बाद में हम यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे और यहाँ पे एक यूनिट तैयार करते हैं। NOS नंबर्स, ठीक है, और उसके बाद में हम स्टॉक आइटम में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माउस, अंडर में NOS, उसके बाद में हम लिखेंगे कीबोर्ड्स, NOS, उसके बाद में LCD, NOS, उसके बाद में रैम, SMPS, ठीक है, और हार्ड डिस्क, ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर, फिनिश गुड, इसमें NOS, इसमें चेंजेस होगा थोड़ा, और सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, इसको हम यस करेंगे। और ये आपका F12 का जो ऑप्शन है वो एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, इसको हम यस करेंगे। उसके बाद में बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, यहाँ पे यूनिट, वन यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट NOS, सबसे पहले हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर के लिए, एक कीबोर्ड और एक LCD, एक माउस, एक रैम, एक SMPS, ठीक है, उसके बाद में हम परचेज करते हैं स्टॉक आइटम में जाके, F9 परचेज, कैश, परचेज लेजर में क्या कर देंगे, LCC, हम नया लेजर तैयार कर देंगे, परचेज नेम ऑफ आइटम, हार्ड डिस्क, 10 हार्ड डिस्क खरीदी है और रेट लगी अपनी 3200 रुपये। नेक्स्ट कीबोर्ड, 10 कीबोर्ड 500। नेक्स्ट LCD,
प्लस और 6000 रुपये LCD के लगे हमने। उसके बाद में हम माउस 10 माउस 250। नेक्स्ट रैम SMPS SMPS 700। मीन्स अपने पास जो टोटल मटेरियल आ चुका है वो 1,16,500 का आ गया है, ठीक है ना। गुड्स परचेज बाय कैश और रॉ मटेरियल, इसमें हम लिख देंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, अपने स्टॉक समरी में जाके देखेंगे। तो ये जितना भी आपके पास आ चुका है कच्चा माल, इसका सबको हटा के एक कंप्यूटर तैयार करना है अपने को, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसीजर अपना, इन्वेंट्री वाउचर में जाना है और यहाँ पे सोर्स या कंजप्शन, सबसे पहले हमें क्या करना है, हार्ड डिस्क लेनी है, 10 हार्ड डिस्क लेनी है, 10 कंप्यूटर तैयार करना है अपने को और कीबोर्ड 10। उसके बाद में कीबोर्ड के बाद में LCD 10 और LCD के बाद में माउस 10 माउस, रैम और रैम के बाद में SMPS 10 SMPS। उसके बाद में एक फिनिश कंप्यूटर यानी फिनिश गुड में एक कंप्यूटर तैयार होगा अपना, कितना होगा और उसकी रेट कितनी लगेगी। तो उसकी जो रेट लगेगी 1,16,500 में आपके 10 कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो आपका इसमें 14,000 रुपये कर देते हैं हमने, ठीक है। तो 1,40,000 रुपये हो गया और नरेशन हो गया आपकी रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू फिनिश गुड, ठीक है। और देखने के लिए हम जाएंगे अब स्टॉक समरी में, अल्ट के साथ में F1 करेंगे। तो आपके पास जितने भी कच्चे माल जो आपने खरीदा था वो सारा रॉ मटेरियल में अटके और फिनिश गुड में तैयार हो जाता है, यानी 10 कंप्यूटर आपके पास तैयार हो जाते हैं। और आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देख सकते हो, अल्ट के साथ में F1 ये 10 कंप्यूटर आपके सामने दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसको हम सेल भी कर सकते हैं 10 कंप्यूटर को, अकाउंटिंग वाउचर में जाके F8 सेल्स में जाएंगे और कैश सेल्स लेजर में क्या कर देंगे, सेल्स कर देंगे, ठीक है। नेम ऑफ आइटम 10 कंप्यूटर अपने पास, 10 के 10 बेच देते हैं और 16,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना, 1,16,000 रुपये का आ गया अपने। और नरेशन क्या हो जाएगी, बींग गुड्स सोल्ड टू कैश, कैश में आपने बेच दिया है, ठीक है। और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखते हैं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है 43,500 रुपये का, ठीक है ना, क्योंकि हमारा खर्चा आ गया था 1,16,500 का और 1,60,000 रुपये हमने बेच दिया, ठीक है ना। और स्टॉक समरी में हम जाके देखेंगे तो वहाँ पे जीरो बैलेंस दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमने क्या बताया कि रॉ मटेरियल को जो हम फिनिश गुड में तैयार कैसे करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और ये हमारा वीडियो देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, और आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का सफल है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।